नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का एक जो वीडियो लेकर आए हैं, गवर्नमेंट जो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें कि आपकी हेल्थ आईडी बनाई जा रही है। सभी लोग इस हेल्थ आईडी को बना सकते हैं। इस हेल्थ आईडी के फायदे क्या होंगे दोस्तों? अब आपका हेल्थ रिलेटेड डेटा जो है ऑनलाइन डिजिटली फॉर्म में रहेगा। जिस भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे, जो भी आपकी हेल्थ हिस्ट्री रहेगी, वो सभी आसानी से फैच की जा सकेगी। आसानी से आप यहाँ पर सारे रिकॉर्ड को रख सकेंगे, और अब आपको काफ़ी सारे कागज़ साथ में लेकर यहाँ से वहाँ नहीं जाना होगा। इन पूरी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी बनानी है। लॉगिन आईडी बनाने के लिए जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पोर्टल है healthid.ndhm.gov.in, और यहाँ आने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ लिखा रहा है क्रिएट योर हेल्थ आईडी नाउ। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आप जो है आधार कार्ड से इस आईडी को बनाना शुरू कर सकते हैं, और अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक हेयर करके अदर ऑप्शंस के साथ जा सकते हैं। हम आपको बताएंगे यहाँ पर, यहाँ देखिए दोस्तों, ये आधार कार्ड के ऑप्शन में यहाँ आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, और यहाँ से आपको जो है सबमिट करना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद ये देखिए आप इस तरीके से आपको एक मोबाइल नंबर पर जो है, ये आपका मोबाइल नंबर होगा, और मोबाइल नंबर पर जो है आपको ओटीपी आएगा, और ओटीपी को जो है जैसे ही दोस्तों आप यहाँ सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद ये देखिए आधार कार्ड से जो है हमारी जानकारी उठा ली गई है, और यहाँ पर नाम, फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एड्रेस और ईमेल आईडी, और ये हमने यहाँ पर बना दिए हैं, स्टेट ले लिया है, डिस्ट्रिक्ट ले लिया है। ये जो आप PHR एड्रेस देख रहे हैं दोस्तों, ये आपको वहाँ बनानी होती है, और आपको एक यूनिक नाम वहाँ देना होता है, जो कि पहले से किसी और का नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद जो है यहाँ आप देख पा रहे होंगे, वी विल सेंड वन टाइम पासवर्ड ऑन दिस नंबर। हमें यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, उस पर जो है एक वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा, जिससे कि आप जो है इसको दोस्तों लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ देखिए जैसे ही हमारी आईडी आ गई है, हम यहाँ पर हेल्थ आईडी भी डाल सकते हैं और PHR एड्रेस डाल सकते हैं। मैं अभी यहाँ PHR एड्रेस डाल रहा हूँ, और डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ डालनी है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ हमने हमारी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। यहाँ से जो है हम इसको कैप्चा को फिल करेंगे। यहाँ आ गया है, हमें बाइसिकल्स बताना है, बाइसिकल्स कहाँ कहाँ रखी हैं, ये ह्यूमन वेरिफिकेशन, और ये हो गया है दोस्तों। अब हम यहाँ से सबमिट कर रहे हैं। सबमिट करने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पर क्योंकि ईयर जो है सेलेक्ट नहीं हुआ था, ये हमने ईयर ले लिया है, और अब हम यहाँ से इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद दोस्तों देखिए तीन ऑप्शंस आ रहे हैं। तीन ऑप्शंस हैं कि आप आधार वाले नंबर के OTP से इसको लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक मोबाइल नंबर देंगे उस पर OTP आएगा, और वाया आप पासवर्ड भी जा सकते हैं। पहली बार जब आप जाएंगे तो आपको पासवर्ड यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि पासवर्ड जो है उसके अंदर जाने के बाद हमें कलेक्ट करना है दोस्तों, तो उसको हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो जो है कलेक्ट किया जाएगा, और उसी में जो है किस तरीके से पासवर्ड बनाया जाएगा। पहले हम ये जो है ह्यूमन वेरिफिकेशन यहाँ पर कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पर जो है इसमें लॉगिन कर देता हूँ। ये लॉगिन हो गया है दोस्तों, और लॉगिन होने के बाद देखिए ये हमारी हेल्थ आईडी कार्ड आप देख पा रहे होंगे, ये जो जनरेट हुआ है योर हेल्थ आईडी कार्ड, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको हेल्थ आईडी नंबर, PHR एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर दिखेगा। यहाँ आप दोस्तों देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा है माय अकाउंट। माय अकाउंट में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आप प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, अगर आपको चेंज करना चाहते हैं तो, फोटो चेंज करना चाहते हैं तो, आप पासवर्ड को यहाँ से सेट करेंगे दोस्तों, आप अपडेट कर सकते हैं मोबाइल नंबर को, KYC का रीवेरिफिकेशन करा सकते हैं, और यहाँ से आप इस अकाउंट को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो मैं ये ऑप्शन भी आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे ही आप जाएंगे यहाँ एडिट प्रोफाइल पर, ये देखिए हमारी प्रोफाइल आ गई है, इसमें आप जो भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं। सेट पासवर्ड के लिए आपको जो है नया पासवर्ड यहाँ डालेंगे, और आप आधार से जो है OTP से वेरीफाई करा लेंगे, तो ये आपका चेंज हो जाएगा। आप यहाँ मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हम देख रहे हैं डीएक्टिवेट डिलीट
हेल्थ आईडी पर हम जाएंगे और यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आ रहा है, लिखा आ रहा है डीएक्टिवेट माई हेल्थ आईडी टेम्परेली और परमानेंटली। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप दोस्तों देख रहे हैं माई बेनिफिट, जो जो आपको बेनिफिट मिलेंगे वो आपको यहाँ पर शो होंगे और इसी के साथ दोस्तों आप यहाँ से इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी जो चीज़ गवर्नमेंट लेकर आई है, इससे जो आपका हेल्थ आईडी कार्ड है अब ये जनरेट हो गया है और ये जो आप नंबर देख रहे हैं ये नंबर हमेशा आपके हेल्थ हिस्ट्री के साथ चलने वाला है और सभी हॉस्पिटल्स में ये जो है मान्य भी होगा और वहाँ पर आपकी हेल्थ हिस्ट्री को इसी की मदद से फैच कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपके वीडियो पसंद आया होगा, किस तरीके से हेल्थ आईडी बनानी है आपने इस वीडियो में जाना। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, परिवार को, और आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और भी किस तरीके की वीडियो आप हमारे चैनल के लिए चाहते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।